मैं विमल भाव सार घर संसार चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। प्राय आपके घर में दाल बचती है, सुबह की बची, शाम को काम में लेते हैं, शाम की बची हम सुबह काम में ले सकते हैं। तो हम आप आज बनाएंगे बची हुई दाल से टेस्टी और चटपटा नाश्ता। उसके लिए हमारे पास बची हुई दाल है मूंग की, और हम मसाला डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच नमक, गरम मसाला आधी चम्मच, अजमे को क्रश करेंगे। यह सभी सामग्री हम आटे में मिलाएंगे, उसके बाद धनिया डालेंगे। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे पूरी जैसा टाइट। अगर आपकी दाल थोड़ी कम पड़ रही हो तो इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब हम हल्का सा तेल डाल के इसके आटे को हम एक साथ करेंगे। हमने इस आटे के चार लोहे बनाए बड़े, इसको हम आटे में लपेट के हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। इस प्रकार हमने पूरा बेल लिया है इसको। हमने कढ़ाई में तेल गर्म किया हुआ है, गैस की सिम मीडियम रखें। एक एक करके इनको डालें इसमें। दोनों तरफ से ब्राउन होने के बाद हम इनको निकालेंगे। ये तैयार है हमारा चटपटा और कुरकुरा नाश्ता। आप चाहे तो इसको बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसमें आप ऊपर से खाने के लिए चाट मसाला, मैगी मसाला, गरम मसाला जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।